नमस्कार। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है, कैसे हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स का नेटवर्क बनता है और कैसे हमारे डेली लाइफ को हमारे बिहेवियर है, ठीक है, हमारे थॉट प्रोसेस है, हमारे जो एक्शंस है, चाहे गुस्सा करना हो, ठीक है, चाहे शांत रहना हो, ठीक है, चाहे मोटिवेटेड रहना हो, चाहे डिप्रेस रहना हो, जो कुछ भी है, अच्छा है या बुरा है, वो हमारे न्यूरॉन नेटवर्क से कैसे जुड़ा हुआ है, इसका पूरा डिटेल में आज के वीडियो में आपको समझाने जाऊंगा। यहाँ कुछ जो मैं बताने जा रहा हूँ पूरे डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है कुछ टर्म्स जो होगी वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होगी, लेकिन यहाँ मैं पूरा आपको लेमन लैंग्वेज भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हो सकता है मेरा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप एंड तक देखते हैं तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। और ये स्ट्रक्चर आपको जब भी मैं एनएलपी के वीडियो जो भी अपलोड कर रहा हूं उसको आपको समझने में सहायता मिलेगी, क्योंकि वहां पे मैं कुछ न्यूरॉन्स वर्ड यूज करूंगा, न्यूरॉन नेटवर्क वर्ड यूज करूंगा, न्यूरोट्रांसमीटर वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है, समझा है, तो वो आपको पूरी तरह से समझ में जरूर से आ जाएगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करो इससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, पास में दिए बेल आइकन को भी जरूर से दबाएं, और ऊपर आई बटन पर बहुत सारे वीडियो की लिंक आपको मिल जाएंगी, वो भी आप जरूर से देखें, उसमें आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, कुछ तो फ्री भी रखा हुआ है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन्स। तो देखिए, जैसे आपने 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ा हुआ, ठीक है, कि हमारा ये जो बॉडी है इसका जो सिंगल यूनिट होता है, ठीक है, उसको सेल कहा जाता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बुक में। तो उसी तरह से हमारे बॉडी में एक सिस्टम काम करती है जिसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, गुजराती में चेतातंतु। तो उसका सिंगल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसको न्यूरॉन कहा जाता है। फिर से एक बार बताता हूं, हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिंगल यूनिट है, उसको न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। तो ये था इसका डेफिनेशन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले ये मैंने फिगर ड्रॉ आउट की है, ठीक है, न्यूरॉन की फिगर। इसको समझना है तो आप एक पेड़ की तरह उसको आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एक पेड़ होता है उसकी बहुत सारी शाखाएं होती है, उसका ट्रंक होता है, फिर नीचे उसके रूट्स होते हैं। तो यहां भी आप देख पाते हैं कि ये पेड़ के कुछ ट्रंक शाखाएं ब्रांचेस जैसा दिख रहा है, ये इसका ट्रंक जैसा दिख रहा है, और ये इसका जो मूल है, ठीक है, रूट्स है उसकी तरह वो दिख रहा है। ये जो ब्रांचेस है इसको डेंड्राइट कहा जाता है, DENDRITE, डेंड्राइट, ठीक है। इसका जो सेंटर वाला पार्ट है इसको सोमा कहा जाता है, SOMA, सोमा। इसका ये जो ट्रंक वाला पार्ट है इसको कहा जाता है एक्सॉन, AXON, एक्सॉन। एक्सॉन के बाहर एक लेयर होता है जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इसको कहा जाता है माइलिन शीथ, MAELINSHEATH, माइलिन शीथ। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसको कहा जाता है नर्व एंडिंग्स, एंड का पार्ट, ठीक है, एंडिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो ये इसका डायग्रामेटिक मैंने आपको बता हुआ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ये है डेंड्राइट, ये है एक्सॉन, और ये है नर्व एंडिंग्स। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, जिसी तरह से आपने 8 और 9 स्टैंडर्ड में देखा होगा सेल का स्ट्रक्चर होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी तरह से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। सेल से थोड़ा आप देख सकते हैं अलग है ये, ठीक है, काफी सारा आपको अलग दिख सकता है। अब ये जो मैंने डायग्राम दिया है ये दो न्यूरॉन्स के बीच गैप है, ठीक है, याद रखिए दो न्यूरॉन जो होते हैं वो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होते हैं, दो न्यूरॉन फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होते हैं, उन दोनों के बीच में एक गैप होती है जिसको कहा जाता है साइनेप्स, SYNAPSE, साइनेप्स, दो न्यूरॉन के बीच की जगह, ठीक है। अब यहां देख सकते हैं मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है,
इसको कहा जाता है, इसमें होता है न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर ये कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो यहां नर्व एंडिंग्स में स्टोर होते हैं, ठीक है, यहां पे वो जमा हुए होते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये यहां पे स्टोर होते हैं और जब भी ये रिलीज होते हैं ये साइनेप्स वाली गैप में रिलीज होते हैं। जब भी रिलीज होते हैं ये साइनेप्स वाली जो गैप है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है। ये जो फिगर इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक ह्यूमन की तरह ड्रॉ किया हुआ है, इसमें ये जो है पार्ट है ये है ब्रेन का पार्ट है और ये सेंटर वाला पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड। देख सकते हैं यहां से जो भी निकल रही है वो है न्यूरॉन्स। हमारे बाल से लेकर हमारे पैरों तक हमारे न्यूरॉन का सिस्टम फैला हुआ है, इसलिए तो अगर कोई हमारा बाल भी खींचते तो हमारा पेन होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे भी नर्व एंडिंग्स होते हैं, ठीक है। पैरों में भी अगर कहीं छोटा सा भी अगर कंकड़ आ जाता है तो हमें पेन होता है, क्योंकि वहां पे भी वो नर्व एंडिंग्स होते हैं। कुछ गर्म चीज पर हाथ लग जाए तो हमें गर्मी, तुरंत हम हाथ ले लेते हैं, वो नर्व एंडिंग्स वहां पे प्रेजेंट है, सेंसेशन वहां पे प्रेजेंट है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो हमारे पूरे बॉडी में ये नर्वस सिस्टम फैला हुआ होता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में 80 से लेकर 100 बिलियन 80 से लेकर 100 बिलियन तक न्यूरॉन्स होते हैं। आप समझ ले सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में ये न्यूरॉन है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। देखिए जब भी हम छोटे होते हैं तब से लेकर अब की बात कर रहे हैं, जो भी हमारे माइंड में जो जाता है ना वो स्पेशली हमारे फाइव सेंसेस के द्वारा ही जाता है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सूंघते हैं, जो टेस्ट करते हैं, या फिर हमारी स्किन के द्वारा जो भी हम फील करते हैं, ठीक है, इन पांच सेंसेस के द्वारा हमारे माइंड में जो भी डेटा है वो जा रहा है, ठीक है। हम कुछ देख रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक टाइगर देख रहे हैं तो वो हमारे माइंड में जा रहा है, ठीक है, टाइगर की आवाज है तो हम उसको कानों के द्वारा अंदर जा रहा है हमारे माइंड में। कुछ हम अच्छी स्मेल ले रहे हैं या बुरी भी स्मेल रहे तो वो भी जा रहा है। कुछ गुलाब जामुन या ऐसा कुछ टेस्ट कर रहे हैं तो उसका भी टेस्ट हमारे माइंड में जा रहा है। और कहीं पे गर्मी है, कहीं पे ठंडी है, तो वो भी जो फील कर रहे हैं वो हमारे माइंड में जा रहा है। कहीं पे हम खुशी को फीलिंग कर रहे हैं, कहीं पे हम दुख फील कर रहे हैं, कहीं पे कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, तो कहीं पर लोअर सेल्फ एस्टीम फील कर रहे हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा खुशी या कहीं पे डिप्रेशन। तो ये सब है हमारे माइंड के अंदर जा रहा है। तो होता क्या है, जब भी ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन जाता है हमारे बॉडी में न्यूरॉन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब से सबसे फर्स्ट टाइम, यानी कि समझ लीजिए जब आप छोटे थे तब आपने एक बार फर्स्ट टाइम जब आपने एक टाइगर को देखा, आपके माता पिता ने बताया कि ये टाइगर है, आपके दिमाग में उसकी इमेज गई और एक न्यूरॉन बन गया जिसने ये बता दिया कि ये टाइगर है, ठीक है। तो इस तरह से एक न्यूरॉन बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, टाइगर के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि टाइगर को आपसे दूर रहना है वरना वो आपको मार देगा। तो एक तरह का डर, डेंजर की फीलिंग भी आ जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे हम छोटा बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और उसके टाइगर के बारे में ही सोचता है, उसके बारे में फील करता है कि ये तो टाइगर है, इससे हमें डरना चाहिए, ठीक है। तो वो जो भी है वो हमारे माइंड में उसके न्यूरॉन्स बनते जाते हैं। अब होता क्या है, देखिए ये मान लीजिए एक सिंगल न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे ने मान लिया कि ये टाइगर है, ठीक है, और टाइगर डेंजर की फीलिंग आ गई, ठीक है, कि हाँ ये टाइगर है हमें उससे बचना चाहिए, फियर की फीलिंग आ गई। अब क्या करेगा, ये न्यूरॉन है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन बन जाएंगे धीरे धीरे, जैसे वो एक ही बात को बार बार सोचता रहेगा, फील करता रहेगा, तो ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन का एक नेटवर्क बन जाता है जो पूरे बॉडी में फैल जाता है, पूरे बॉडी में इसकी सिस्टम फैल जाती है, माइंड में भी और पूरे बॉडी में भी, ठीक है। इसी तरह से बनता है न्यूरॉन नेटवर्क। एक न्यूरॉन करीबन 10,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, जी हाँ,
एक सिंगल न्यूरॉन करीबन 10,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, वो जो न्यूरॉन है दूसरे और 10,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, वो जो न्यूरॉन है वो दूसरे और 10,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, और उसी तरह से पूरे बॉडी में हमारा इसका जो नेटवर्क है ये फैला हुआ होता है, इसको कहा जाता है न्यूरॉन नेटवर्क। इसको कहा जाता है न्यूरॉन नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया हुआ यहाँ आप देख सकते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, जैसा मैंने बताया ना, ठीक है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, दूसरा तीसरा तीसरा चौथे से, इसी तरह से पूरा सिस्टम बन जाता है। अब होता क्या है, जैसा मैंने बताया कि हमारा जो कुछ भी बिहेवियर है कई बार ये न्यूरॉन पर डिपेंडेंट होता है। तो अगर मान लीजिए आप कोई बुरा थॉट डाल रहे हैं अपने दिमाग में कि मुझे तो डायबिटीज है, या फिर मैं तो डिप्रेस हूं, या फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा जीवन में, ठीक है, या मेरी जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, या मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं होगी, ठीक है, ये नेगेटिव है। अच्छे भी आ सकते विचार, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरे रिलेशन तो बहुत ही हारमोनियस है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे अच्छे पैसे है, ठीक है, मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मेरी लाइफ सेटिस्फाई है। तो ये जो बुरे और अच्छे जो विचार आ रहे हैं उसके हिसाब से हमारे न्यूरॉन्स बनते जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे अच्छे न्यूरॉन बने, आपने ये सोचा कि यस आई एम ए हेल्दी पर्सन, ठीक है, आई एम एनर्जेटिक, आई एम यंग पर्सन, तो ये एक न्यूरॉन क्या करेगा, यहां से न्यूरो ट्रांसमीटर, जो मैंने बताया कि न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे क्या होता है, बार बार जब आप इस चीज को सोचते रहते हैं कि आई एम ए हेल्दी पर्सन, आई एम ए एनर्जेटिक पर्सन, आई एम ए यंग पर्सन, तो यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और यहाँ जो होता है यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर यानी कि कुछ केमिकल्स, ठीक है। यहाँ आपने अच्छा सोचा है आई एम हेल्दी पर्सन, तो डोपामिन, सेरेटोनिन, एंडोरफिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन, ये सब जो अच्छे न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर के नाम है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, न्यूरो ट्रांसमीटर कौन कौन से हो सकते हैं, डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोरफिन, ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन, ठीक है, और भी बहुत सारे। तो यहाँ पे हमने अच्छा सोचा है कि आई एम हेल्दी पर्सन, आई एम एनर्जेटिक, आई एम यंग, तो यहाँ से अच्छे केमिकल रिलीज हो गए और दूसरे न्यूरॉन को मिलेंगे, ठीक है, साइनेप्स, जो मैंने बचा है ना, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होती है, वहां पे ये रिलीज हो गए न्यूरो ट्रांसमीटर अच्छे वाले, ये क्या करेंगे, फिर दूसरे न्यूरॉन को देंगे, ये भी सेम इंफॉर्मेशन ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही डाला हुआ है आपने, क्या मैं हेल्दी एनर्जेटिक यंग पर्सन, तो फिर ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सेम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कराए, ये तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, छठे को, इसी तरह से पूरे बॉडी में एक ही इंफॉर्मेशन जा रही है, आई एम अ हेल्दी एनर्जेटिक यंग, अच्छे केमिकल्स ही रिलीज हो रहे हैं क्योंकि आप अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट भी उतना ही सच है। अगर मान लीजिए आपने ऐसा सोचा कि आई एम अ डिप्रेस पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पे जो अच्छे केमिकल रिलीज होने चाहिए वो अच्छे केमिकल रिलीज नहीं होंगे, इसके जगह यहाँ पे जो बुरे केमिकल्स है, ऐसे एक्चुअली बुरे तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो अच्छे नहीं है वो केमिकल यहाँ पे रिलीज हो गए, एड्रेनालिन है, कोर्टिजोल है, एड्रेनालिन कोर्टिजोल, इसके बारे में मैं डिटेल में ऐसा हो तो वीडियो जरूर से बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको उसकी सच्चाई आपको पता चले, ठीक है, एक्चुअली वो बुरे नहीं है, लेकिन बुरे क्यों है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बताऊंगा, ठीक है। तो वो जो एड्रेनालिन कोर्टिजोल है वो यहाँ पे एक न्यूरोन में रिलीज होंगे, दूसरे न्यूरॉन को सेम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, क्या आई एम डिप्रेस पर्सन, दूसरा तीसरे को, आई एम डिप्रेस पर्सन, तीसरा चौथे को, आई एम डिप्रेस पर्सन, उसी तरह से पूरे बॉडी में एक ही इंफॉर्मेशन जाएगी कि आई एम डिप्रेस पर्सन, उसी तरह के नेगेटिव केमिकल्स रिलीज हो गए, तो आप और ज्यादा डिप्रेस रहेंगे, आप तुरंत डिप्रेस फील करेंगे। आप खुद सोचिए कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आप अच्छी फीलिंग करते हैं, क्यों होता है, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स में ये नेटवर्क बन चुका है, आपके बॉडी में अच्छे केमिकल रिलीज हो रहे हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोरफिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये अच्छे केमिकल रिलीज हो रहे हैं, इसलिए आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, आपका ये जो न्यूरॉन नेटवर्क है वो स्ट्रांग बनता जा रहा है जब आप अच्छी फीलिंग करते हैं, तो
लेकिन जब आप डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, फियर में होते हैं, तो नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे जो आपको उसी तरह की फीलिंग में ला जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से न्यूरॉन नेटवर्क काम करता है। अब ये न्यूरॉन नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा ना, उतनी आपकी लाइफ में अच्छा या बुरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं पे महसूस किया होगा कि आप किसी रेस्टोरेंट से गुजर रहे, आपने देखा वहां पे पिज्जा का बोर्ड है, ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव बोर्ड लगा हुआ है, उसमें कुछ डिस्काउंट का भी लगा हुआ है, आपको उसको देख के ही तुरंत ही उसको खाने की इच्छा हो जाती है। अब उस टाइम क्या होता है, एक न्यूरॉन ने देख लिया कि पिज्जा है वहां पे, ठीक है, वहां ऑफर भी चल रही है आपको, तो आपके अंदर तुरंत ही ये दूसरे न्यूरॉन को बता देगा कि मुझे खाने की इच्छा हो रही है पिज्जा, दूसरे तीसरा, तीसरे को, तीसरा चौथे को बता देंगे, इसी तरह से पूरे सिस्टम बॉडी में बन जाएगी, उसी तरह से वो केमिकल रिलीज होंगे और आपको पिज्जा खाने की बहुत ही इच्छा होगी और ज्यादा चांसेस है कि आप पिज्जा जाकर खाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर करेला का जूस देकर आपके माइंड में ऐसा बिठा दिया कि ये तो कड़वा है, ये तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाने की इच्छा होती है, ठीक है, तो यहां पे भी सेम चीज होगी। एक न्यूरॉन यही बताएगा कि करेला तो कड़वा है, मुझे नहीं खाना है, ये उसी तरह से केमिकल रिलीज करेंगे, एक न्यूरॉन दूसरे को, दूसरा तीसरे को, उसी तरह से पूरे बॉडी में ये सिस्टम फैल जाएगा, ये इंफॉर्मेशन फैल जाएगी, ये केमिकल रिलीज हो जाएंगे कि ये करेला तो कड़वा है, मुझे नहीं खाना है, भले चाहे हेल्दी हो। उसी तरह से एग्जाम्पल, अगर आप कोई किसी पर्सन को देखकर आपको अच्छा फीलिंग नहीं आ रही है, आपके बॉस को देखकर, आपके एम्प्लॉय को देखकर, या परिवार के किसी सदस्यों को देखकर अगर आपको अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए आपके बॉडी में धीरे धीरे ये न्यूरॉन का नेटवर्क है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, स्ट्रांग हो चुका है। उसे देखकर अगर आप किसी पर्सन को देखकर अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, प्यार की फीलिंग आ रही है, तो समझ लीजिए उसी तरह से न्यूरॉन नेटवर्क आपके बॉडी में बना हुआ है, उसी तरह से केमिकल आपके रिलीज हो रहे हैं। लेकिन किसी पर्सन को देखकर गुस्सा आ रहा है, तो उसी तरह का न्यूरॉन का नेटवर्क आपके अंदर बना चुका है और उसी तरह के केमिकल रिलीज हो रहे हैं, इसी की वजह से ही आपको उस पर्सन को देखकर गुस्सा आ रहा है या फिर प्यार आ रहा है उस पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर से मैं आपको समरी देने, इसका पूरा और डिटेल में बनाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करें। ये बेसिक आपको मैंने समझा दिया ताकि आपके दिमाग में न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन ट्रांसमीटर, ये सब बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता जाए। ठीक है, धीरे धीरे और मैं डिटेल में बनाता जाऊंगा, चिंता मत करें, लेकिन ये बेसिक चीज समझ लीजिए। फिर से आपको समरी बता रहा हूं, न्यूरॉन्स क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, इसका जो पार्ट्स है, डेंड्राइट है, एक्सॉन है, नर्व एंडिंग्स है, दो नर्व एंडिंग्स के बीच में जो गैप होती है उसको साइनेप्स कहा जाता है। हमारे शरीर में 80 से लेकर 100 बिलियंस तक न्यूरॉन्स होते हैं और हमारे पूरे बॉडी में इसका नेटवर्क फैला हुआ होता है। नेटवर्क कैसे बनता है, जैसे कि आपने किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके 5 सेंसेस के द्वारा अंदर डाली, उसी समय एक न्यूरॉन बन जाएगा। ठीक है, फिर रेगुलरली जब आप उसको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं या फील करते रहते हैं, तब उस ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन बनाएगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इसी तरह से बनता जाएगा। ठीक है, एक न्यूरॉन दूसरे 10,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसी तरह से जो भी इंफॉर्मेशन आप डालते हैं, रेगुलरली डालते जा रहे हैं, उसकी पूरी सिस्टम, पूरा नेटवर्क हमारे बॉडी में बन जाता है, वो चाहे अच्छा होगा चाहे बुरा होगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ठीक है, वो एक प्रकार के केमिकल है, जब भी ये न्यूरॉन से उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें जनरेट होगा किसी भी 5 सेंसेस के द्वारा, तो उसमें से ये केमिकल रिलीज होगे जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं, अच्छे वाले कौन से हैं, डोपामिन है, न्यूरो ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, दूसरे जो न्यूरॉन्स है जो हमें बुरी फीलिंग देते वो क्या है, एड्रेनालिन है, कॉर्टिजोल है। ठीक है, डोपामिन के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, वो भी आप उसको देख सकते हैं। धीरे धीरे एक एक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाता जाऊंगा। ठीक है, ऊपर एनएलपी और माइंड जब भी आए आई बटन पर, तब उसको क्लिक करें ताकि आपको सब डिटेल में पता चले। ठीक है, एड्रेनालिन कॉर्टिजोल अच्छे हैं या बुरे हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये था न्यूरॉन्स के बारे में। पता है थोड़ा लंबा वीडियो है, हो सकता है आपको थोड़ा आउट ऑफ माइंड जाए, लेकिन 2-3 बार जरूर से देखिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।